अब वापस आते हैं मेन टाइप्स की तरफ। पहली मेन टाइप जो अभी आपके सामने बयान की मैंने वो असर्टिव सेंटेंसेस थी, तो दूसरी मेन टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी काम के बारे में पूछा जाता है, तो हम उसको इंटरोगेटिव या सवालिया जुमले कहते हैं। सवालिया जुमलों में जो हेल्पिंग वर्ब है या क्वेश्चन वर्ड है उसको हम जुमले के शुरू में लगाने से और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देने से जुमला जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकता है, बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने जुमला बोला था, ही इज़ अ डॉक्टर। इसको अगर हम सवालिया अंदाज में बोलें तो हम इसको बोल देंगे इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। तो इस तरह से ये जुमला जो है ये सवालिया जुमला कहलाता है। इसके बाद तीसरी टाइप आ जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम इल्तिजाइया या हुक्मिया जुमले भी कहते हैं। ये जुमले इस तरह के होते हैं कि जिसमें हम किसी काम के लिए दरख्वास्त करते हैं या कोई काम करने के लिए हम किसी को हुक्म देते हैं, तो इस तरह के जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और उर्दू में इल्तिजाइया या हुक्मिया जुमले कहते हैं। फिर आ जाता है चौथी टाइप, इसकी आ जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें के इस्तेजाबिया जुमले कहा जाता है। इस्तेजाब का जो लफ्ज़ है ये अजीब से निकला है, यानी अगर हम इसको आसान अल्फाज में हम बोलें कि इस्तेजाबिया जुमले क्या होते हैं, तो ये ऐसे जुमले होते हैं कि जिनमें खुशी, गम, हैरत या अफसोस का इजहार किया जाता है। मसलन, अफसोस मेरी घड़ी गुम हो गई, ठीक है, इस जुमले में हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं। या जुमला है कितनी खूबसूरत घड़ी है, यानी इसमें हम किसी चीज़ की खूबसूरती के ऊपर अपनी खुशी या बाज़ औक़ात हम हैरत का इजहार भी करते हैं किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर। तो ऐसे जुमले जिनमें खुशी, गम, हैरत या अफसोस का इजहार किया जाए तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। फिर आखिरी टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में दुआया जुमले कहा जाता है। ऐसे जुमले जिनमें आप दुआ देते हैं किसी शख्स के लिए, किसी शख्स के लिए नेक ख्वाहिशात